तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी मिक्स वेजिटेबल पोहा। आपने पोहा तो बहुत ही तरीके से बनाया होगा, लेकिन आप एक बार ये मिक्स वेजिटेबल पोहा भी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जैसे गोभी, बीन्स, आलू, गाजर, प्याज और मटर। आप अपने पसंद की और कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पैन पे 1/2 चम्मच ऑयल ले लिया है, और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सरसों डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा ले लिया है। और अब हम सबसे पहले गोभी, आलू और बीन्स को फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ले लिया, जिसे बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 10 से 12 करी लीव्स ले लिया है। और अब हम बाकी बचे हुए सब्जी को डाल देंगे, जैसे यहाँ पे प्याज, गाजर और मटर। और अब हम इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये सब्जी फ्राई होता है, हम पोहा को भिगा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पोहा ले लिया है, और अब हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पोहा को वॉश कर लिया है और इसे छान लिया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, और 2 टेबल स्पून सांभर पाउडर। इसमें सांभर पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ये पोहा ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब सांभर पाउडर भी पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका सब्जी में, तो अब हम इसमें पोहा को भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 2 मिनट्स के लिए और फ्राई होने देंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा वेजिटेबल पोहा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।